दोस्तों आ गया हूं फिर से आपको सिखाने समझाने पढ़ाने और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन मार्क दिलवाने। दोस्तों लेकर आया हूं आपके लिए बिल्कुल फ्रेश और कमाल का सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन, और यह सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 23 जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर करने में बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन यह फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सीरीज के डेली सेट के सारे वीडियोज को बिल्कुल अंत तक देखते हैं, बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं। साथ साथ में यह आपके रिविजन के लिए, टेस्ट के लिए और नॉलेज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यह सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों भाषाओं में मिल जाती है, मतलब दोनों मीडियम से एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए यह बोर्ड मिशन बहुत ही हेल्पफुल होता है। और वैसे अगर आप इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से पढ़ लीजिए, या यहां राइट साइड कॉर्नर पे आपको आई बटन शो करेगा, इस पे क्लिक करके वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा डिटेल पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशमनी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग दिखा दीजिए थोड़ा सा अपना प्यार, दिखा दीजिए दुलार और कर दीजिए वीडियो को लाइक, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे के सारे वीडियो को देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो ये है आज का सबसे पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है What do you mean about the angular dispersion and dispersive power? अच्छा, कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या समझते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पहले मैं किसी क्वेश्चन का आंसर बढ़िया से समझाता हूं, डिटेल में समझाता हूं, ताकि आपके माइंड में इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बैठ जाए और कभी भी आप ना भूलें। बाद में आपको इसको लिखा हुआ आंसर, इस क्वेश्चन का लिखा हुआ आंसर मैं आपको दे देता हूं, जिसको आप कॉपी पर नोट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बढ़िया से समझा दूं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट डू यू मीन एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर, मतलब कोणीय वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता, इन दोनों को हमको बताना है। तो पहले मैं बता दूं कि ये दोनों जो टॉपिक है आपके 12th फिजिक्स के ऑप्टिक्स चैप्टर में प्रिज्म का जो पोर्शन है, प्रिज्म वाला जो पार्ट है, उसी में आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए मैं समझा दूं कि एंगुलर डिस्पर्शन होता क्या, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, पूरा के पूरा आपको बढ़िया से 100% बिल्कुल बेसिक से आपको दिमाग में घुस जाएगा यह बात कि एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। देखिएगा होता क्या है कि मान लीजिए आपका कोई लाइट आया, व्हाइट लाइट आया, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आपका कोई व्हाइट लाइट आया, तो आपको पता है कि व्हाइट लाइट अगर यह प्रिज्म रास्ता में नहीं आता, आपका ये जो व्हाइट लाइट है अगर यह प्रिज्म रास्ता में नहीं आता तो यह लाइट आपका क्या होता, बिल्कुल सीधा पार करता। हाँ, प्रिज्म रास्ता में नहीं आता तो आपका व्हाइट लाइट बिल्कुल सीधा पार करता ना, लेकिन प्रिज्म रास्ता में आ गया तो आपको पता है कि व्हाइट लाइट 7 भाग में टूटेगा, सबसे ऊपर रहेगा रेड मतलब लाल, और सबसे नीचे रहेगा वायलेट मतलब बैगनी, यही ना होता है, सबसे ऊपर रेड सबसे नीचे बैगनी। तो देखिए एंगुलर डिस्पर्शन इसी कोण को कहते हैं, किस कोण को, जितने कोण में आपका ये पूरा लाइट पसर गया मतलब कि फैल गया, जितने एंगल में डिस्पर्स हो गया ना, इसी कोण को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन, मतलब रेड लाइट और वायलेट लाइट के बीच बनने वाले कोण, लाल रंग और बैगनी रंग के बीच बनने वाले कोण, कब एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर, कब, जब लाइट डिस्पर्शन हो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो, प्रिज्म से गुजरने के बाद जब आपका लाइट लाल ऊपर रहेगा वायलेट नीचे रहेगा, इन दोनों के बीच ये जो कोण बनेगा इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। तो देखिए होगा किसके बराबर, ये सुन लीजिएगा, होगा किसके बराबर, देखिए तो आपका ये लाइट का बिल्कुल चलने का सीधा रास्ता था, जहां मैं पेंसिल घुमा रहा हूं ये आपके प्रकाश के चलने का बिल्कुल सीधा रास्ता था, और बताइए तो वायलेट लाइट यहां पे पहुंचा इस सामने जहां मैं पेंसिल घुमा रहा हूं। तो देखिएगा इतने एंगल्स, ध्यान से देखिएगा इतने एंगल्स, थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूं, इतने एंगल्स आपका ये जो एंगल मैं बार बार शो कर रहा हूं, इतना एंगल से आपका वायलेट लाइट मुड़ा, और इतना एंगल से ये देखिएगा ये एंगल कौन सा है रेड लाइट के मुड़ने का, क्योंकि देखिए लाइट का रास्ता ये था, मैं कह रहा हूं मैं जहां पेंसिल घुमा रहा हूं ध्यान दीजिएगा, लाइट का रास्ता ये था, तो इतने एंगल से व्हाइट लाइट मुड़ गया और इतने एंगल से रेड लाइट मुड़ गया, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस वायलेट वाले एंगल को इस रेड वाले एंगल से, मतलब कि मैं कह रहा हूं बैगनी वाले कोण को लाल रंग वाले कोण से घटा देंगे तो आपको ठिट्ठा निकल जाएगा, यानी ठिट्ठा बराबर क्या हो जाएगा डेविएशन, मतलब विचलन, किसका विचलन, वायलेट का विचलन माइनस
डेविएशन ऑफ किसका, रेड का विचलन, ये दोनों को घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा यहां से एंगुलर डिस्पर्सन। आप मेरे दोस्त एंगुलर डिस्पर्सन को समझ गए, नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। वैसे शॉर्टकट में एस मनी सर का फिर से, आप लोग जैसे ही मेरे स्टूडेंट हो गए यूट्यूब चैनल के बिल्कुल रेगुलर व्यूअर, जिस तरीके से मेरे क्लास का स्टूडेंट है, वैसे आप लोग भी मेरे स्टूडेंट है तो कुछ नहीं, लाइट सीधे जा सकता था, लेकिन यहां पर आपको ऊपर आया सबसे ऊपर रेड लाइट, मुड़कर नीचे आया व्हाइट लाइट, ये दोनों के बीच जो कोण बनेगा इसी कोण को बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्सन। होगा किसके बराबर, तो जितने एंगल से व्हाइट मुड़ा और जितने एंगल से रेड मुड़ा, क्योंकि देखिए लाइट का रास्ता ये था, देखिए ध्यान से लाइट का रास्ता ये था, यहां पे आपका व्हाइट लाइट आया, यहां पे आपका रेड लाइट आया, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन आप बहुत बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से जान गए तो बहुत बढ़िया बात है। अब मैं बताता हूं डिस्पर्सिव पावर क्या होता है। देखिए तो एंगुलर डिस्पर्सन बटा मतलब डिवाइडेड बाय एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय मीन कलर का डेविएशन। मीन कलर का मीन मतलब होता है मध्यमा, एवरेज बोल सकते हैं एवरेज। देखिए आपका ये रेड कलर ऊपर है, रेड नीचे वायलेट, तो रेड और वायलेट के मीन के लिए येलो होता है। मीन का मतलब ये मत समझिए कि बिल्कुल बीचों बीच में, तब तो कंफ्यूज कर जाइएगा। जैसे देखिए आपको रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन होता है, रॉयजी ब्लू होता है, इंडिगो होता है, और सबसे नीचे वायलेट होता है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पर सबसे बीच में है ग्रीन, लेकिन ग्रीन नहीं है मीन कलर, मीन कलर येलो होता है। मीन का मतलब होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एवरेज, ऐसे इसके बारे में बाद में बताऊंगा। हाँ तो देखिए क्या होता है, मैं कहूं कि आपके एंगुलर डिस्पर्सन पता चल गया, सॉरी आपको एंगुलर, हाँ आपको एंगुलर डिस्पर्सन पता चल गया, और ये जो मीन कलर येल्लो है ना, येल्लो का डेविएशन, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। नहीं समझ में आ रहा डिस्पर्सिव पावर, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर से एक बार समझा रहा हूं, सुनिएगा, बहुत ईजी और बहुत आसान चीज है। आपका ये लाइट आया, सबसे ऊपर आपको मिलेगा रेड और सबसे नीचे मिलेगा आपको कौन सा कलर, वायलेट, और ये आपको लाइट के चलने का बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है, जहां पे लाइट जाता अगर प्रिज्म नहीं होता तो, ठीक है। और ये जो एंगल आपको थीटा हो गया, एंगुलर डिस्पर्सन जितने एंगल से मुड़ गया और बीच में कहीं ना कहीं येल्लो होगा, तो ये येल्लो जितने एंगल से मुड़ा येल्लो, मैं एंगुलर, देखिए एंगुलर डिस्पर्सन अलग चाहिए, एंगुलर डिस्पर्सन रेड और वायलेट के बीच का कोण होता है, और डेविएशन होता है ओरिजिनल के साथ, कितने ओरिजिनल से विचलन हुआ, तो इसी दोनों को थीटा बाय डेविएशन ऑफ येल्लो को हम लोग बोलते हैं उस प्रिज्म का विक्षेपण क्षमता, मतलब डिस्पर्सिव पावर। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, फ्यूचर में फिर से कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं। लेकिन अगर आप थोड़ा भी बढ़िया से घर पर पढ़े हैं, टीचर से पढ़े, तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा डेविएशन अलग चीज होता है। चलते हैं इसके आंसर पे, आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आंसर में कहा जा रहा है, एंगल बिटवीन एनी टू कलर ऑफ लाइट आफ्टर डिस्पर्सन फ्रॉम प्रिज्म इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्सन। आफ्टर इमर्जिंग व्हाइट लाइट फ्रॉम प्रिज्म, एंगुलर डिस्पर्सन इज एंगल बिटवीन रेड लाइट एंड व्हाइट लाइट। मैंने यह नहीं बताया कि विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो रंगों के किरणों के बीच कोण को, जो किन्हीं दो किरण जैसे रेड हो गया वॉलेट हो गया, तो इसके बीच जो कोण बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय विक्षेपण कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से निकलने के बाद लाल रंग का किरण और बैगनी रंग के किरण के बीच जब श्वेत प्रकाश निकलेगा तो सात भाग में टूटेगा, तो उस समय जो कोण बनता है उसे कोणीय विक्षेपण, यहां पर गलत लिखा गया हिंदी में, सुधार लीजिएगा, कोणीय ऐसा नहीं होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जब कोणीय वर्ण विक्षेपण का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा किसके बराबर होगा, जितना एंगल, समझिएगा आपका ये लाइट का सीधा रास्ता होता है प्रिज्म से गुजरने के बाद, लेकिन जब यहां से प्रिज्म से लाइट निकला तो ऊपर आया आपको रेड और नीचे आया वायलेट, तो जितना एंगल से रेड मुड़ा और जितना एंगल से वायलेट मुड़ा, ये दोनों को घटा देंगे वायलेट में से रेड, तो बीच का जो एंगल बन जाएगा वही हो जाता है आपका एंगुलर डिस्पर्सन। चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन के आंसर पे, जिसमें कहा जा रहा था आपको कि डिस्पर्सिव पावर क्या होगा, तो आपको समझ में आ गया डिस्पर्सिव पावर कुछ नहीं होता है, डिस्पर्सिव पावर जो होता है ये होता है एंगुलर डिस्पर्सन बाय डेविएशन ऑफ मीन कलर। देखिए आंसर में वही कहा जा रहा है, डिस्पर्सिव पावर फॉर एनी मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज एनी फॉर एनी टू कलर इज द रेशियो बिटवीन एंगुलर डिस्पर्सन टू द डेविएशन ऑफ मीन कलर। यहां पे कह रहा है फॉर व्हाइट लाइट मीन कलर इज येलो लाइट, मतलब किसी प्रिज्म के पदार्थ की किन्हीं दो रंगों के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता, उन दो रंगों के बीच वर्ण विक्षेपण कोण तथा मध्यमान किरणों के विचलन का अनुपात होता है। श्वेत प्रकाश के लिए मध्यमान रंग क्या होता है, पीला, कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसके बाद नीचे ये लिख दीजिएगा कि ओमेगा से दिखाते हैं एंगुलर डिस्पर्सिव पावर को, तो ओमेगा बराबर क्या होगा आपको, एंगुलर डिस्पर्सन,
एंगुलर डिस्पर्शन मतलब कोणीय वर्ण विक्षेपण डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ येलो कलर मतलब डेविएशन ऑफ मीन कलर भी लिख सकते हैं, व्हाइट के लिए मीन हो जाता है येलो, डेविएशन ऑफ मीन कलर इतना कर दीजिएगा तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाहते हैं तो वैल्यू वगैरह पुट कर सकते हैं, डेविएशन वगैरह का फॉर्मूला भी होता है वो भी पुट कर सकते हैं, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं है। हाँ आप लोग को धीरे धीरे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, लेकिन आप सभी को पता है कि सेकेंड क्वेश्चन से पहले मैं हर दिन क्वेश्चन ऑफ द डे मतलब कि आज का सवाल पूछता हूं, और आज लास्ट एपिसोड में लास्ट सीरीज में जैसे 23rd सेट है तो 22 सेट में सही आंसर देने वाले जो स्टूडेंट थे वो राहुल शर्मा थे, सौरभ कुमार थे और दूसरा भी सौरभ कुमार ही थे। इन तीनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आप तीनों इसी तरीका से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और एमिंग हाई यूट्यूब चैनल का वीडियो बिल्कुल रेगुलरली तरीका से देखते रहिए और जिंदगी में बहुत ही बड़ा इंसान रहिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है, हमेशा मेरा सपोर्ट आप लोगों के साथ हमेशा है। चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, इसका आंसर अगर आप लोग जान रहे हैं जरूर बताइएगा क्योंकि मैं सिखाने का काम करता हूं। जब तक आप लोगों का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर नहीं आता है मेरा तो दिल बिल्कुल टूटने लगता है, ऐसा लगता है कि मैं जो सिखा रहा हूं वो बिल्कुल बर्बाद जा रहा है, इसलिए आप लोग जरूर इसका आंसर दीजिए। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये कह रहा है भाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं उनको कहेंगे कि सारे पीछे की वीडियो को देखते रहने के लिए या तो YouTube पे एमिंग हाई चैनल सर्च कीजिए, देखिए यहां पे स्पेलिंग दिख रहा है AIMINGHIGA चैनल, चैनल लगा के सर्च कीजिए या सिर्फ एमिंग हाई चैनल सर्च कीजिए और सबसे पहले ऊपर आएगा उसको खोल करके अंदर जाके वीडियो देख लीजिए या सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, लेकिन इससे पहले एक बात बता दें कि कल मैंने सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट बना दिया है, बहुत दिनों से प्लेलिस्ट के लिए सोच रहे थे कि बनाऊंगा समय नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने पूरे के पूरे वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया हूं। आप YouTube चैनल को अंदर खोल के मैं होम देखिएगा, वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा, वहां पे जाके आप सारे के सारे वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि सेकंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, और देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है What are the difference between deviation and dispersion? Explain. विचलन और वर्ण विक्षेपण में क्या अंतर है? समझाएं। अच्छा ये भी प्रिज्म का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, आपका प्रिज्म है। देखिए विचलन क्या होता है, मान लीजिए आपका ये लाइट आया, आपका लाइट इस तरीका से जाता, अगर प्रिज्म नहीं रहता तो आपका लाइट इसी सामने जाता ना, बिल्कुल स्ट्रेट जाता, आपको लाइट ऐसा स्ट्रेट जाता, लेकिन प्रिज्म आने की वजह से ये मुड़ जाएगा। तो जितने कोण से ये मुड़ेगा ना उसी को हम लोग बोलते हैं विचलन, उसी को बोलते हैं डेविएशन, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं डेविएशन। अब डिस्पर्शन क्या होता है तो आप लोग पढ़े होंगे, वर्ण विक्षेपण जिसे कहता है कि जब व्हाइट लाइट आता है तो ये मुड़ता है और सात भाग में टूट जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। अब आप कहिएगा कि सर दोनों के दोनों तो एक के है, इसमें ही मुड़ रहा है सर डेविएशन, जो आप बोले विचलन इसमें ही मुड़ रहा है, इसमें ही मुड़ रहा है, दोनों मुड़िए रहा है ना। हाँ ये दोनों इस मामले में बिल्कुल एक, लेकिन दोनों है बिल्कुल अलग। देखिएगा डिस्पर्शन जो होता है ना वर्ण विक्षेपण, ये प्रकाश के अपने अलग अलग भाग में टूटने को कहते हैं, जैसे व्हाइट लाइट गुजरेगा तो सात भाग में टूटेगा, तो यहां भी मुड़वे करेगा, यहां भी लाइट में बेंडिंग होगा, लेकिन इस बेंडिंग को नहीं बोलते हैं डिस्पर्शन, ना सात भाग में टूटने को बोलते हैं डिस्पर्शन, ये सात भाग में जो टूट रहा है ना उससे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन, और यहां जो मुड़ता है उसको बोलते हैं डेविएशन। तो कुछ नहीं है, चीजें बहुत आसान है और चीजें बहुत आसान भी होती है अगर सही ढंग से पढ़ा जाए तो। चलते इसका आंसर भी देख लेते हैं, आंसर में वही कहेगा कि जो मुड़ रहा है उसको डेविएशन और अगर सात भाग में टूट रहा है उसको बोलते हैं डिस्पर्शन। देखिए आंसर में कहा जा रहा है व्हेन एनी लाइट इंसिडेंट इनक्लाइनली टू द ट्रांसपेरेंट सरफेस देन द एंगल मेड बाई विच इट डेविएट्स नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन फेनोमेनन इज नोन एज डेविएशन, मतलब जितने एंगल से ये मुड़ता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं डेविएशन। बट इफ इंसिडेंट लाइट इज व्हाइट लाइट, जब व्हाइट लाइट है देन आफ्टर डेविएशन इट स्प्लिट्स इंटू सेवन कलर ऑफ लाइट विच कैन बी ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन, जिसे पर्दा पे प्राप्त किया जाता है जा सकता है, देन फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज नोन एज डिस्पर्शन। तो आप समझ गए कि जो सात भाग में टूट रहा है उसको बोलते हैं डिस्पर्शन और जो लाइट प्रिज्म से मुड़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन। देखिए हिंदी में भी आंसर लिखा हुआ है, जल्दी से वीडियो को रोककर जल्दी से पढ़ लीजिए कि क्या आंसर है, या कॉपी पे नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके पॉज करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है, लेकिन इससे पहले देखिए यहां पे आपको दिखा रहा है एक बात कि अगर आप लोग फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पर दो फेसबुक पेज, पहला पटना स्टूडेंट पेज और दूसरा एमिंग हाई पेज, इन दोनों को जरूर लाइक कर लें, जरूर लाइक कर लें,
फॉलो कर लें, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम से रिगार्डिंग, आपके स्टडी से रिगार्डिंग जितना भी चीज है इस चैनल पे, आपके इस पेज पे, फेसबुक के पेज पे डाला जाता है हमेशा, इसलिए जरूर लाइक करें। और साथ साथ में ये कहेंगे कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये कोशिश है कि एजुकेशनल चैनल बनाया जाए सेमिंग हाई को, और आप लोगों के सपोर्ट के कारण आज यह चैनल बहुत ही तरक्की कर रहा है, बहुत ही फास्ट रेट में तरक्की कर रहा है। बस ये आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण संभव हो पाया है। ऐसी वीडियो देखते रहिए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे इस मकसद में बिल्कुल साथ हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पावर ऑफ टू लेंसेस आर 12 डायोप्टर एंड -2 डायोप्टर, दीज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट कोएक्सियली, देन व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये तो बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में तो मैंने बहुत पहले ही बताया है। मैं थोड़ा सा नीचे चल के जगह निकाल लेता हूं ताकि मैं न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करके बता सकूं। और देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दो लेंस है, एक का पावर आपको +12 डायोप्टर यानी P1 कितना हो गया +12 डायोप्टर, और दूसरे लेंस का पावर P2 दिया हुआ है -2 डायोप्टर। तो कहा जा रहा है कि फोकल लेंथ कितना होगा, तो कुछ नहीं, पहले पी इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। आप लोग पढ़े हैं ना कि दो लेंस को एक साथ सटा कर रखा जाता है, जो नहीं जानते वो जान लीजिए, और एक का पावर P1 है, दूसरे का पावर P2 है, तो दोनों के मिलने से जो इक्विवेलेंट पावर आता है, इक्विवेलेंट दोनों मिलकर, इक्विवेलेंट क्या होता है, दोनों मिलकर जो पावर आता है उसका फार्मूला होता है P1 + P2, दोनों जुट जाता है, तो एक का हो गया 12, एक का हो गया -2, जोड़ जाड़ देंगे तो यहां से आ जाएगा आपको कितना 10 डायोप्टर। और जब आपको पावर निकल गया मेरे भाई, तो आप लोग जानते हैं कि F बराबर होता है 1/P, आपको F इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/P इक्विवेलेंट कर सकते हैं, और 1/P कितना हो गया 10, और इतना पे आप छोड़ दीजिएगा आंसर, तो 1/10 मीटर होगा। अगर आप सेंटीमीटर में बदलना चाहते तो 100 से इसे कर सकते हैं गुना, जब आप 100 से गुना कीजिएगा तो 10 टाइम में कटेगा और 10 सेंटीमीटर, यानी आप तो 1/10 मीटर बोलिए या 10 सेंटीमीटर बोलिए, जो बोलिए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है और चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाउ रेनबो फॉर्म्स इंद्रधनुष कैसे बनता है। बचपन आ गया याद, इस क्वेश्चन को देख के तो पूरा बचपना याद आ गया, जब गांव में दौड़ा करते थे और शाम के टाइम में देखते थे कि देखो इंद्रधनुष बना। तो मैं बिल्कुल बता देता हूं इंद्रधनुष कैसे बनता है, आप लोग में अधिकांश स्टूडेंट जानते होंगे कि इंद्रधनुष बनता कैसे। देखिए मान लीजिए बरसात का दिन है और आप यहां पे खड़ा है, मान लीजिए बरसात का दिन है और आप यहां से इस तरीके से आप खड़ा है, आपका ये आंख है और आपका ये नाक है इस तरीके से, और आपका ये मुंह है, और आप इस तरीके से यहां पे ऐसे खड़ा है, और आपके पीठ तरफ सूरज है, सूरज की तरफ जाए पीठ तरफ, और आपको पता है कि बरसात में हल्का फल्का पानी का बूंद इस तरीके से, पानी का बूंद इस तरीके से ऐसे टूट जाता है, तो इस तरीके से सॉरी हवा में रहता है वायुमंडल में, तो यहां से जब आएगा आपको एटमॉस्फेयर में तो लाइट आएगा, तो क्या होता है ना कि इस पानी के बूंद से टकरा कर निकल के डिस्पर्स हो जाता है, 7 भाग में टूट जाता है, और वहीं आपको रेनबो बनता है। तो आप लोग जानते भी होंगे कि आकाश में जो पानी का बूंद होता है उससे जब लाइट पास होता है तो डिस्पर्सन के कारण, मतलब वर्ण विक्षेपण के कारण, वो 7 भाग में टूटता और इंद्रधनुष हमको बनता है। लेकिन हां कब आपको दिखेगा, जब इधर इधर मुंडी कर लीजिएगा ना ऐसे, तो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि सूर्य तरफ नहीं, आपका जो पीठ है, ये जो पीठ है वो होना चाहिए सूर्य की तरफ। हाँ ये बातें हैं कि आपका जो इंद्रधनुष होता है वो दो होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो होता है ना वो बनता है जब आपको ऐसा हो कि कोई बूंद हो ना पानी का, इस पे आएगा लाइट और लाइट आए इस तरीका से ऐसे हो और TIR होकर ऐसे निकल जाए तो प्राइमरी बनता है। और जब दो बार इसमें TIR कि यहां पे TIR होगा हुआ, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो टकरा कर लौट जाता है। लेकिन ऐसा हो कि मान लीजिए आए लाइट, अब दो बार TIR हो, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे, तो सेकेंडरी रेनबो बनता है। क्या क्या होता नहीं होता है, क्योंकि मैंने फिफ्थ क्वेश्चन पे TIR से रिलेटेड ही क्वेश्चन, सॉरी सेकेंडरी और प्राइमरी से ही रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, लेकिन पहले मैं देख लेता हूं कि रेनबो कैसे बनता है। जल्दी से वीडियो को रोक कर इसे पढ़ लीजिए कि रेनबो कैसे बनता है, पूरा डिटेल में बताया गया, पूरा बढ़िया से लिख दिया गया है। वीडियो को रोक लीजिए, आपको मैंने समझा दिया कि कुछ नहीं होता, सनलाइट जब गिरता है तो वो अलग अलग भाग में टूट जाता है, उसी से बनता है आपको रेनबो, ठीक है। और यहां पे कह रहा है आपको, देखिए इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, इतना लिख देना है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो वीडियो को जल्दी से रोक के देख लीजिए। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो के बीच अंतर को लिखे। तो मैंने अभी
अभी एक अंतर तो मैंने अभी बता दिया कि प्राइमरी रेनबो जो होता है, प्राइमरी जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, उसमें लाइट जब आता है ना पानी के बूंद पे, तो यहां से तो रिफ्रैक्शन होवे करेगा, लेकिन यहां होता है टी आई आर होकर लाइट ऐसे निकलता है। तो यानी कि इसमें दो बार रिफ्रैक्शन और एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन 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 जब सेकेंडरी बनता है ना, तो सेकेंडरी में क्या होता है कि एक बार यहां रिफ्रैक्शन के अंदर गया और यहां एक बार टी आई आर हुआ, यहां पे यहां से टकरा के लौटा, एक बार यहां भी टी आई आर होता है। तो इस तरीके से इसमें दो बार टी आई आर होता है, इसमें 2 times टी आई आर होता है, और 2 times टी आई आर होने के बाद आपका बन जाता है सेकेंडरी रेनबो। तो एक तो अंतर ये हो गया कि इसमें मात्र 1 times टी आई आर होता है, इसमें 2 times लाइट यहां से ना रिफ्लेक्ट करता है, मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। दूसरा, प्राइमरी जो होता है ना वो ज्यादा चमकीला होता है, सेकेंडरी जो होता है वो कम चमकीला होता है, और कलर का जो अरेंजमेंट है उसमें भी अंतर होता है ना दोनों में। तो यही 2-3 डिफरेंस मैं नीचे चल के दिखा देता हूं कि क्या क्या डिफरेंस है, आप नोट कर लीजिएगा, और यह हो जाएगा आपका आज के लिए लास्ट वीडियो। और आप देख लीजिए, जल्दी से वीडियो को रोक करके देख लीजिए कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दिया। प्राइमरी में कहा जा रहा है कि पानी के बूंदों से 2 times आप बर्तन, मतलब 2 times, एक बार निकले अंदर जाएगा, एक बार निकलेगा, तब बर्तन तो 2 times होगा ही होगा, लेकिन 1 times पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बाद बनता है। इसमें भी आप बर्तन तो 2 times होगा, लेकिन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन 2 times होता है। पढ़िए, देखिए लिखा हुआ 2 times पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यह ज्यादा चमकीला होता है या कम चमकीला होता है, उसके बाद देखिए चलिए नीचे नीचे क्या कहा जा रहा है। देखिए यहां पर किसका अंतःभाग, इसको देख लीजिए, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिए, जरूरी है ये इसको देखना, ठीक है। देखिए इसमें कहा जा रहा है 3rd में कि इट्स इंटरनल रीजन इज वायलेट एंड एक्सटर्नल इज रेड, मतलब इसका अंदर बल अंतर जिस तरीका से इंद्रधनुष बनता है ऐसे 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 ऐसे, तो इसका अंतर का अंदर का जो भाग होता है ना, अंतर कोर, वो बैगनी होता है, और बाहर का रेड होता है किसका, प्राइमरी का। और सेकेंडरी में ऐसा नहीं होता, सेकेंडरी में जो होता है ना वो सेकेंडरी में हो जाता है, अंतर कोर हो जाता है लाल और बाहरी कोर हो जाता है बैगनी। तो इस तरीका से ये 3 अंतर है, अब बढ़िया से देख लीजिए अंदर का, इस तरीके से देख लीजिए, लिख लीजिए, और वीडियो को हो सके तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमेशा सिखाएंगे, हमेशा पढ़ाएंगे, और मेरे इस काम में सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और स्टडी का माहौल बनाने में सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 90+ 95% लाना है, अच्छा मार्क लाना है।